स्वागत है आपका कठुआ स्टार में। आपको बताता चलूं कि जिस तरह से पहले कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और पिछले कल जो है वो भाजपा ने मैनिफेस्टो जारी किया है, तो सभी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। तो इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के असेंबली कोऑर्डिनेटर अनिल जी। हम उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कठुआ स्टार फेसबुक चैनल पर। आपका भी और आपकी टीम का भी अभिनंदन है मनीष जी। मैं आपसे एक ही सवाल करूँगा, 370 पे और 35 ए पे अभी आपका मैनिफेस्टो जारी हुआ जिसमें आपने ये भी कहा कि हम 370 और 35 ए को नहीं हटने देंगे, क्या कारण है? देखिए जी, ये तो कहीं भी उन्होंने ये दर्शाया नहीं है कि उसको हम नहीं हटने देंगे। रही बात आपके कल भाजपा की बात करें तो उन्होंने कहा कि हम ये 370 और 35 ए को अपने इस जो उन्होंने कल का मैनिफेस्टो रखा है, जिसको मैं समझता हूँ जो उनका मैनिफेस्टो नहीं है वो जुमलापन है। वो आए दिन वो ऐसा करते आए हैं पिछले, और यही चीज़ें वो दोहरा रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इनका 2014 का भी सेम मैनिफेस्टो था जिनमें उन्होंने कहा था, जिस बेस पे उन्होंने चुनाव लड़ा था और लोगों ने इनको बहुमत दिया था ताकि ये अपनी सरकार बना पाए, उसमें भी इन्होंने कहा था कि हम यहाँ से 370 हटाएं। तो आपकी पार्टी क्यों नहीं चाहती कि हमारी पार्टी, देखो हमने जैसे आपको कहा है कि ये महाराजा हरि सिंह जी की बदौलत ये 370 की हमारी स्पेशल स्टेटस जो हमें मिला हुआ है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आप देखें कि वैसे 370 हटने से वैसे भी यहाँ हमारी बेरोजगारी आए दिन बढ़ रही है, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, और मैं आपको आपके संज्ञान में ये चीज़ लाना चाहता हूँ, अगर ये चीज़ हटती है तो उस ज़्यादा सारा का सारा जो नुकसान है वो जम्मू को भरना पड़ता है। वैसे जम्मू वाले बेरोजगार हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, पढ़े लिखे युवाओं को। सरकार तो कह, आपकी कांग्रेस पार्टी तो कह रही है, मेरी बात सुने, वैसे नहीं मिल रही है। अगर ये चीज़ें हट जाती हैं तो बाहर से भी जो बाहर स्टेट्स के लोग हैं वो भी यहाँ पे उतने ही जो हमारे लोग जैसे अप्लाई करेंगे वो भी वैसे अप्लाई करेंगे। वैसे हमारे वालों को कौन सी नौकरी पड़ेगी? लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कहती है ना कि ये मुद्दा तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया कि क्यों नहीं हटाई 370। मैं वही तो चीज़ कह रहा हूँ ना कि अगर वो नहीं हटती है तो इसको नुकसान किसको है? सारा का सारा सीधा का सीधा नुकसान किसको है? जम्मू को जा रहा है। अब मैं आपसे पहले ही ये जम्मू के लोग तो कहते हैं हटनी चाहिए। मैं वही तो चीज़ कह रहा हूँ, अगर देखो, अगर आप ऑन एवरेज देखो हमारी जो हमारा इसका एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ रेट है डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है, तो हटने से क्या होगा? बाहर के लोग भी यहाँ पे अनिल आप, जी, आप कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? कश्मीर में अलग बयान देती है, जम्मू में अलग बयान देती है। कोई ऐसा नहीं है बयान, उन्होंने हर जगह एक ही बयान है। और आप, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियों में ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रियों में जो युवा है जो नौकरी कर रहा है और खासकर अच्छी पोजीशन पे नौकरी कर रहा है, मैं आपसे ही पूछता हूँ वो कहाँ का? क्या हमारे जम्मू कश्मीर का या बाहर का है? जब आपकी सरकार, जब आपकी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तो तब क्यों नहीं फैक्ट्रियों से वो लोग निकाले गए, बाहर से लोग जो आए वो तब क्यों नहीं निकाले गए? आज आप ये बात क्यों कर रहे हैं? मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर बिना उसके वो वहाँ से लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं और हमारे लोग बेरोजगार हैं, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी यही हाल होगा फिर तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अनिल जी, फैक्ट्रियों में जब आपकी सरकार थी तो तब भी तो लोग लगे थे, तब भी तो बाहर से लोग लगते थे, तब क्यों नहीं निकाले गए? आज आप बात कर रहे हैं। मैंने आपको बात, आपकी बात का जवाब दिया, 370 क्यों नहीं हटनी चाहिए, मैंने इस पे बोला है कि मैंने वो एग्जांपल तो कर रहे हैं ना, मैंने एग्जांपल दी है आपको कि वो अगर वो इंडस्ट्रियों में वो लोग आए दिन उनको अच्छे पद प्राप्त हो रहे हैं तो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि आप ये चीज़ देखोगे कि जितना जॉब निकलती है हमारे वैसे भी लोग वो ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर में चली जाती है जॉब्स, वहाँ पे फिर हमारा बाहर से भी राज्य से भी लोग वहाँ पे जॉब करेंगे तो हमारे लोगों को रोज़गार कहाँ मिलेगा? जिस मुद्दे पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अपने मैनिफेस्टो, तो आपको क्या लगता है कि रोजगार बिल्कुल 0% रहा भाजपा की टाइम? बिल्कुल 2 करोड़ नौकरियां उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हर साल हमारी 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को मिलेंगी। आप मुझे बता दे दें कि वो डाटा कहाँ है, किस युवा को? तो आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई?
मेरे को तो बिल्कुल डेवलपमेंट, जिस मुद्दों पे उन्होंने सरकार इलेक्शन लड़ा था आज सेम मुद्दे रिपीट कर रहे हैं। आज उन्होंने 370 दोबारा बताई हुई है, 35 दोबारा बताई हुई है, ठीक है। आज आज वो एक नया उन्होंने जुमला कर दिया है तैयार कि हम 3,000 रुपया देंगे, पेंशन देंगे छोटे रोजगार। सरकार भी तो 72,000 की बात करिए कि साल का 72,000 जो है वो दिया जाएगा, तो पहले क्यों नहीं दिया, पहले क्यों नहीं आपके मैनिफेस्टो में आया? उसका जवाब वही दे रहा हूँ, हमारा कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क नहीं है। जैसे कि हमारे माननीय जो हमारे अध्यक्ष हैं, उन्होंने 3 स्टेटों के इलेक्शनों से पहले ये घोषणा की थी कि हम जितना भी है हमारे जो किसानों का कर्जा है उसका माफ़ी करेंगे, और मुझे लगता है उन्होंने 10 दिन नहीं गिनने दिए, 6 दिन के अंदर अंदर उनका कर्जा माफ़ करके दिखाया। क्योंकि हमारा जो एक कांग्रेस का इतिहास रहा है, जो काम कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इनकी तरह जुमलेबाजी नहीं करते कि कहा कुछ और करना कुछ। इनके मोदी सरकार में तो किसानों के लिए बहुत सारे मैनिफेस्टो में लाया है, अभी लाया ना उन्होंने, करके थोड़ी दिखाया। मैं वो बात कर रहा हूँ, मैंने आपको कहा कि आपने कहा कि आपने आपको जवाब दिया 72,000 का कि सालाना जो उनको देना है, मैंने उसका जवाब ये दिया कि 3 स्टेटों में हमारे जो वादे उन्होंने किए थे वो करके बताए। इसी तरह ये वादा अगर जनता इस काबिल इन्हें कांग्रेस को समझेगी तो वो वही चीज़ें वही वो 10 दिन नहीं गिनने देंगे, उनके वो 72,000 रुपया वैसे ही आएगा जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये पिछली बार मैनिफेस्टो भाजपा ने जारी किया था तो उसमें युवाओं की जो है भागीदारी ज़्यादा रखी गई थी कि इनके जो है जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन इस बार भी वही चीज़ दोहराई गई है, तो क्या कहना चाहते हैं, क्या इस बार भी युवाओं की भागीदारी ज़्यादा रहेगी? मुनीश जी, मैं आपसे पहले ही ये चीज़ कह चुका हूँ कि इस सरकार का काम ही करनी और कथनी में फ़र्क है। ये जुमलाबाजी ज़्यादा चलाती है और ग्राउंड रियलिटी इसकी वो जो है वो कम है। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं, आज की जीडीपी रेट देख लीजिए, ग्रोथ रेट देख लीजिए, बिल्कुल इनका कम हुआ है। उसके मुताबिक आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो युवा की भागीदारी रोजगार में थी वो कम पड़ती जा रही है डे बाई डे, और जो इनके जो मैनिफेस्टो में पिछली बार मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ लुभावनापन था, वोट लेने की राजनीति थी। और आज अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर वो चीज़ इन्होंने 5 साल में की होती तो मुझे लगता आज का सेम मैनिफेस्टो 2019 में ये चीज़ दोबारा उनको रिपीट करने नहीं पड़ती। और मुझे लगता आज का युवा जो है वो बलिबंती बीजेपी के साथ चलता, आज का युवा बीजेपी से उग चुका है, वो नई ओर देख रहा है, नई सरकार चाहता है, और उसमें अपने वो मैं ये आपसे ये कहते हुए कताना नहीं चाहता कि वो एक युवा शक्ति को आगे लाना चाहता है, युवा चेहरा आगे लाना। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने इन 5 सालों में 0% कुछ नहीं किया? मैं यही कह रहा हूँ, खासकर मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है कि युवाओं को लेकर। मैं ये बताइए कि 5 सालों में ये मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया? बिल्कुल जी, बिल्कुल झूठ। सिर्फ कांग्रेस ने किया? बिल्कुल झूठ बोला। आप मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बता दीजिए 70 सालों में कुछ नहीं हुआ? आज जिस पोजीशन पे आप बैठे हुए, ये 4 साल की देन है या 70 साल की देन? नहीं, अगर लोगों ने चेंज चाहा कि भाजपा को लाया जाए, लोगों ने ही भाजपा को लाया है, वो लोगों का मत है, लोगों ने वो चीज झांसे में आगे, वो चाहे 2 करोड़ नौकरियां हो, 15 लाख हो, चाहे वुमेन सिक्योरिटी पे बात हो, वो लोग झांसे में आगे थे। आज मैं समझता हूँ कि 2019 में लोग, खासकर युवा और मेरी मातृशक्ति जाग चुकी है और ये जान चुकी है कि भाजपा की करनी और कथनी में फर्क हमेशा रहा है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। आज जो जितने भी डेली वेजर हैं सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, जब आपकी सरकार थी तब भी वो सड़कों पे थे, और आज भाजपा की सरकार है तब भी वो सड़कों पर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ इसीलिए कि आप डेली वेजर की बात कर रहे हैं, उस सरकार में उनकी उनको अपॉइंटमेंट्स हुई थी, और आज लोगों ने डिमांड इस सरकार में, मुझे लगता है चाहे NRHM की बात हो, चाहे आपने ये PHE डेली वर्कर की बात हो, मैं आपके ध्यान में ये चीज़ लाना चाहता हूँ, तब के जो मंत्री PHE मंत्री थे श्याम लाल जी थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था इसी वजह से कि अगर आप
इनको स्थायी नहीं गवर्नमेंट करेगी, तो उन्होंने अपनी सरकार से ही इस्तीफा दे दी था। हमारी सरकार में, मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारी सरकार में यो भी रहा है, उसकी करनी कतनी। तो अब आपकी सरकार आएगी तो ये डेली वेजर पक्के हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इनके इनके बारे में सोचा जाएगा, डेली वर्कर के बारे में सोचा जाएगा। और खासकर मैं ये चीज़ आपको एक चीज़ ध्यान में और लाना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट्स होती हैं जिनमें कुछ ऐसा इन्होंने एफिडेविट्स दिए होते हैं स्टूडेंट्स ने, कि वो उनको पहले ही गवर्नमेंट ने ऐसे दिशा निर्देश दिए होते हैं कि वो अपने आप को क्लेम नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो होंगे वो रह जाएंगे, बाकी जो आप पीएचई डेली वेजर की बात कर रहे हो, उनको हमारी सरकार में ये चीज़ बिल्कुल उनको आश्वासन देगी कि उनको पक्का करने की हमेशा कोशिश करेगी और बिल्कुल उनको पक्का। चलो, ये आपके माध्यम से तो आश्वासन मिला उनकी, आपकी सरकार आएगी तो वो पक्के हो जाएंगे। बात करते हैं डोगरा लोगों की। जम्मू के लोग तो है डोगरा, लेकिन ये अलग से राजनीति क्यों की जा रही है कि डोगरों से हम वोट लेंगे? जो भी राजनीतिक नेता है वो यही कहता है कि मैं डोगरा हूँ और डोगरों से वोट लेंगे। आज ही ने डोगरों की याद आई, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपको ये चीज़ कहूँगा कि कांग्रेस ने सेकुलरिज्म पे बात की है हमेशा, उसने कभी एक जात को, एक मजहब को और एक कास्ट को कभी नहीं देखा है। वो कास्ट क्रीम मज़हब को ऊपर हो के अपनी राजनीति करती है। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं डोगरा हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ। वो हर मज़हब को लेके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लेके एक गुलदस्ते की तरह चलती है। हाँ, आज लोग जो कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं तो उन, मेरे ख्याल में लोगों ने भी समझना चाहिए, जो आज कम्युनलिज्म पे वोट मांग रहे हैं वो कल कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो डर बैठ गया ना कि अलायंस करके बैठ गए भाजपा को हराने के लिए। ऐसा हमने कभी किसी को नहीं कहा कि अलायंस, हमारी पार्टी की तरफ से किसी को नहीं कहा। एनसी सपोर्ट कर रही है आपको? सपोर्ट कर रही है भाई, उनका अपना अपना सिस्टम है कि वो सपोर्ट कर रही है। किसी ने कांग्रेस ने उनको कहा कि आप सपोर्ट करिए? वो उन्होंने तो अपना कैंडिडेट नहीं ना उतारा, उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा है, उनका अपना, उन्होंने अपना सिस्टम बनाया कि श्रीनगर में उनके कैंडिडेट हैं, इधर नहीं उतारा उन्होंने। वो उनकी पार्टी जाने या हमारी आई, कहीं ना कहीं आप कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जम्मू में कहीं ना कहीं कमजोर। जहां तक डोगरों की बात करूं तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हमारी पार्टी ने डोगरों के लिए नहीं कहा। हां, रही बात हमारे, अगर कैंडिडेट की आप बात करते हो जिसमें हमारे कैंडिडेट विक्रमादित्य जी हैं, तो वो डोगरा इतिहास भली भांति सारी दुनिया जानती है कि वो डोगरा इतिहास है उनका, डोगरा के वंशज हैं, महाराजा हरि सिंह जी के वंशज हैं, अपना गुलाब सिंह जी के वंशज हैं। वो तो नेचुरली बात, अगर आपको कोई नया डोगरा कोई कहता कि मैं डोगरा हूँ, तो मुझे लगता कि मैं अपने आप को, मैं समझता हूँ मैं एक जाति से ब्राह्मण हूँ और मैं समझता हूँ मैं सबसे ज़्यादा बड़ा डोगरा हूँ, सबसे बड़ा हिंदू हूँ, क्योंकि मैं सुबह मेरी शिव जी पूजा से स्टार्ट होती है और रात को भी इसी से स्टार्ट होती है। मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने का जरूरत नहीं है कि मैं डोगरा हूं। तो फिर हर डोगरा ने डोगरा से वोट क्यों कह रहा है कि ये एक बंटवारा टाइप कर रहा है कि हम डोगरा से वोट लेंगे? मैं कह रहा हूं हमारी जम्मू से डोगरा कह के वोट लेंगे, कश्मीर से कैसे? हमारे प्रत्याशी की तरफ से देखो, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम डोगरों के हितैषी हैं, जहां हमने डोगरों से ही वोट लेना है और किसी से वोट लेना है। मुझे एक चीज बता दीजिए, जो डोगरों के हितैषी बने हुए हैं, क्या उन्होंने सिर्फ डोगरों से वोट लेना है? किसी अपना मुस्लिम से वोट नहीं लेना है? किसी क्रिश्चियन से वोट नहीं लेना है? किसी सिख से वोट नहीं लेना? क्या वो डोगरे नहीं है लोग? नहीं, आपने तो अलायंस कर दिया ना, आप तो फिर वो तो आपको वोट मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि डोगरो, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि कांग्रेस का एक सिस्टम रहा है कि उन्होंने कम्युनलिज्म पे कभी वोट नहीं मांगा है, वो सेकुलरिज्म पे वोट कहती है कि इसमें ये हिंदुस्तान का, जब ये हिंदुस्तान बना था इसमें हर जाति मज़हब का आदमी इसमें शिरकत की थी, उसमें योगदान रहा है उसका इस हिंदुस्तान को बनाने में, इसको आज़ाद करवाने में, तो इसमें उसके बाद तो कोई ऐसी बात नहीं थी। और रही बात जो लोग कम्युनलिज्म की बात करते हैं, चाहे भाजपा करती है या RSS करती है, मैं आपको आपके माध्यम से एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि मुझे बताइए कि आज़ादी के दौर में इन लोगों का कहाँ शिरकत है? किसकी एक भी RSS, एक भी BJP वालों के बंदों की बताओ कि जिसकी इसमें शहादत हुई है? किसी की नहीं हुई है। सिर्फ आज का इन्होंने एक फंडा बना लिया है कि हिंदू को लड़ाना है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना है और मुसलमान को हिंदू से लड़ाना है, सिख को क्रिश्चियन से लड़ाना है। तो भाईचारे की बात कहाँ करती है हर जगह? मैं कहता हूँ भाजपा का, अगर मैं आपको बात बता दूँ तो भाजपा ने तो अपने चार तो नाम बदल लिए हैं, कभी प्रजा परिषद
कभी इसमें आज बीजेपी होगी, इसमें चार अब इसका चौथा नाम है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये नाम भी चेंज कर लेगी। ये भाजपा काम रहेगी, दंगा पार्टी ज़्यादा कहलाएगी। आपको लगता है कि जो भाजपा ने मैनिफेस्टो जारी किया है ये देश विरोधी हो गया? मैंने कब कहा देश विरोधी है? मैंने आपको कहा कि भाजपा ने जो भाजपा तो कहती है कांग्रेस के मैनिफेस्टो देश विरोधी, भाजपा ने जो मैनिफेस्टो लाया है वो मैनिफेस्टो उनका 2014 का, आप दोबारा इसको मेरे ख्याल में स्टडी कर लीजिए, इंटरनेट खोलिए, आजकल तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भाजपा तो बोलती है कि कांग्रेस का देश विरोधी है, तो आप क्या बोलते हैं? भाजपा के बोलने से भाजपा तो ये भी कहती है कि भाजपा से आप भाजपा के किसी भी नेता से, और मैं ये चीज़ मुझे कहते हुए कोई आपत्ति नहीं है कि कल तो प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि ABP वालों ने क्यों इंटरव्यू लिया उनका, इनसे अगर कोई सवाल पूछेगा तो वो भाजपा उसको देश विरोधी कहती है, उसको वो कहती है अगर कोई एयर स्ट्राइक करता है तो कांग्रेस सबूत मांगती है। आप क्या कहते कांग्रेस ने कोई कांग्रेस ने पहले दिन से कहा कि जो इन्होंने किया सरकार इसके साथ है, उन्होंने पहले दिन से सबूत तो मांग दिया, पहले दिन से कहा उन्होंने कि क्या सबूत मांगे? मैं कह रहा हूँ कि जो भाजपा को जवाब तो उनके एयर मार्शल ने दे दिया कि हमें तो हमारा काम ये एयर स्ट्राइक करना है, हमारा काम लाशें गिरना नहीं है। ये तो उनको भी बलिबांति सरकार को भी तो उन्होंने चेता दिया था, किसी ने सबूत नहीं मांगा है किसी ने। आप जो भाजपा के मैनिफेस्टो को देश विरोधी नहीं मानते? भाजपा के मैनिफेस्टो को देश विरोधी मैंने ये नहीं कहा, भाजपा के मैनिफेस्टो को ये चूज कहूंगा कि भाजपा का मैनिफेस्टो नहीं है, जुबलापन है। हर बार वो ऐसे जुमलेपन लाती है कि लोगों के बच्चों के लिए रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार, और 35 हे हटा देंगे, 370 हटा देंगे। मुझे बता दीजिए कि 2014 में इन्होंने ये चीज़ें नहीं कही थी, आप बता दीजिए। ये 370 हटाने की बात करते हैं, आज कर रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे 370 हटाएंगे, 35 से हटाएंगे। अब अरे मुझे बता दीजिए, 4-5 साल ये सत्ता में रहे, केंद्र में इनकी सरकार थी और राज्य में इन्होंने गठबंधन में सरकार बनाई। अब वो कसूर भी कांग्रेस का था कि इन्होंने तोड़ी नहीं, किसने तोड़नी थी? जब तोड़ने की बारी आई तब गवर्नर रूल लग जाता था। ये गवर्नर रूल किसने, गवर्नर रूल की वो कांग्रेस ने लगवाया क्या गवर्नर रूल? गवर्नर भी किनके हैं? इनके इनके अध्यक्ष जी ने कहा कि अपना बंदा है तो अपने बंदे ने क्यों काम नहीं किया? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपसे पहले ही कह चुका हूं कि भाजपा की करनी और कथनी में हमेशा फर्क है, सिर्फ इनका काम है आपस में भाईचारे को ख़त्म करना, आपस में लड़ाइयाँ लगवाना। और रही बात, मैं आपके दोबारा एक बार कह देता हूँ कि इनकी कथनी में हमेशा फ़र्क रहेगा। और लोगों से अब आगे वोट की बारी आ गई, आज इनको दोबारा 370 ज़्यादा आ गई, आज दोबारा इनको 35 ज़्यादा आ गई, आज दोबारा इनको राम मंदिर का मुद्दा याद आ गया। अरे मैं कहता हूँ 5 साल इन्होंने काम किया, अगर इन्हीं मुद्दों पर काम कर देते तो मुझे लगता आज मैनिफेस्टो लाने की जरूरत नहीं थी। लोगों ने ऐसे ही इनको एक तरफ से ही इनको जता देना था। क्या लगता है कि इस बार मोदी लहर नहीं है? आज किस बात की लहर? मोदी लहर आप दे चुके हो। मुझे लगता है कि लोगों ने तो इस लहर को आने वाले दिनों में खासकर हमारी रियासत की बात करें तो 18 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा और मई में इनका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि लहर थी जहाँ ये कोई कांग्रेस की आंधी थी जिन्होंने इस लहर को आगे आने नहीं दिया। इसका मतलब आंधी आने वाली है कांग्रेस? बिल्कुल आंधी आएगी। चलो बहुत शुक्रिया अनिल जी आपसे बात करने का। ये तो राजनीतिक बात हो रही थी और यहाँ तक इन्होंने कहा है कि जो भी मैनिफेस्टो भाजपा ने जारी किया है वो एक जुमलेबाजी है। अगर भाजपा की बात करें तो वो ये कहती है कि जो भी इनका मैनिफेस्टो है वो एक देश विरोधी है। तो चलिए इन सब बातों पर अभी मतदान होने वाला है, देखते हैं किसकी आंधी आती है और किसकी लहर आती है। कठुआ से मैं मनीष खजूरिया, कैमरामैन नवनीत शर्मा के साथ, धन्यवाद।